नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंट जानकारी चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वीडियो में आपको अपडेट भी करते हैं, साथ में ये भी आपको अपडेट करते हैं कि आपको अपनी जॉब को कैसे अप्लाई करना होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जॉब निकली हुई है। इस वीडियो में आपको बता रहे हैं आप कैसे अपना फॉर्म भर पाओगे, कैसे आपको पूरी तरह डिटेल चेक करनी है ताकि आपके लिए ईजिली रहे। आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना है IOCL.com। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आप वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे जो कल वैकेंसी की बात हुई थी एग्जीक्यूटिव लेवल की, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करें कि आपको कैसे चेक करना। सिंपली गूगल पे सर्च करना IOCL.com। जैसे आओगे तो व्हाट्स न्यू एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है फॉर्म भरने के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं। और उससे पहले फॉर्म आपको नीचे आना है, व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको थोड़ा और नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एंगेजमेंट एज फिक्स टर्म एम्प्लॉय इन रिफाइनरी डिवीजन। यहाँ पे वैकेंसी निकली एग्जीक्यूटिव लेवल की, तो आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टाफ को थोड़ा नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे। अगर आपको अपनी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और आगे उसके बाद अगर आपको अपनी एप्लीकेशन की पेमेंट फी करनी है, क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट्स वाला, ठीक है। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको ये पर ओपन भी करके दिखाता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स को डाउनलोड करना है ऐसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। NXR 5 फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन स्पोर्ट ऑफ क्लेम फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और उससे और यहाँ पे OBC नॉन क्रिमिनल का भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे OBC नॉन क्रिमिनल की डिक्लेरेशन भी आपके यहाँ पे दी हुई है जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। और EWS का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट का यहाँ पे एम्प्लॉयड ऑफिशियल फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे आपका गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फिटनेस ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन का भी दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे इसको अप्लाई करना होगा। सिंपली आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हम देखो यहाँ पे आ चुके हैं, वहाँ पे क्लिक करने के बाद तो आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आओगे तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको आ जाना है क्लिक करने के बाद। जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आना आपको नीचे, और यहाँ पे एक ब्लू कलर एडवर्टाइजमेंट आपको रनिंग होती दिखाई देगी रिक्वायरमेंट ऑफ, यहाँ पे क्लिक करना है इस एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस जो आपने अप्लाई करना है उसके लिए अप्लाई नाउ यहाँ पे क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ी तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, पहले कॉलम में आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, दूसरे में आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, तीसरे कॉलम में आपने क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी है, चौथे में आपने, फोर्थ में एक्सपीरियंस की डिटेल भरनी है, पांचवें में फी डिटेल, छठे में आपको सबमिशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मान लीजिए आपको फी वाला भी इन्होंने पीछे लिंक दिया हुआ जहाँ से एप्लीकेशन फी पे करनी है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है यहाँ पे, इस इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ोगे इंस्ट्रक्शन तो आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे अपनी पोजीशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और इसके फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं 28 फरवरी से और 22 मार्च तक रहेंगे आपके। यहाँ पे आप देखोगे 22 मार्च 5 PM तक आपको ये FT पोजीशन सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए इस भी पोजीशन पे एग्जीक्यूटिव लेवल 1 की पोजीशन पे करना है, लेवल 2 पे आपको मान लो लेवल 1 पे करना है तो आपको लेवल 1 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वेदर यू अप्लाइड फॉर द FTE पोजीशन ये पूछ रहा है कि आपने पहले कभी इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, ये अगर किया तो यस करो, नहीं किया तो नो करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपने क्या बोलते लोकेशन भरनी है, जो भी आपकी लोकेशन है इन लोकेशन में, ठीक है। और वहाँ से आप देखोगे यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैरिटल, जो भी मैरिटल स्टेटस आपका, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है। फादर नेम यहाँ पे भरना है, मदर नेम यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके अलावा रिलीजन सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट यहाँ पे करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद
स्टेट ऑफ ओरिजिनल डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ कास्ट कम्युनिटी इफ एससी एसटी ओबीसी से हो तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट भरना है। यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे कब कौन सी डेट को इशू हुआ है, कास्ट इंडिवल सर्टिफिकेट इश्यूंग अथॉरिटी की डिटेल यहाँ पे भरनी है, उसका नेशनलिटी भरनी है, आर यू पर्सनली इंगेज्ड विद आशियो, ये पूछ रहा है कि आपको पहले आप यू पर्सनली प्रेजेंटली इंगेज्ड हो वो काम कर रहे हैं नहीं, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है यस या नो। तो उसके बाद नेम ऑफ द यूनिट रिक्वेस्ट में अगर आप यस हो तो आप पूछ रहे कौन सी यूनिट में काम कर रहे, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप एक सर्विस मैन हो तो यस करो, नहीं हो तो नो, ठीक है ये छोड़ देना है, ये भी यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लायबिलिटी डिक्लेयर बननी है, हैव यू एवर फाउंड अनफिट, ये पूछ रहा है कि आप अनफिट पाए गए फॉर पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकेशन बाय एनी अदर लोकेशन, तो इसमें आपको डिटेल भरनी है, ठीक है। ये हैव यू बीन, यानी पहले में आपको पूछा गया है कि आपको हैव यू एवर बीन यूनिट फाउंड अनफिट पाए गए फॉर पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकलाइजेशन बाय एनी अदर लोकेशन या रिफाइनरी यूनिट ऑफ कॉरपोरेशन, अगर पाए गए तो यस भरना, नहीं पाए गए नो भरना है। हैव यू बीन डायग्नोज विद एलिमेंट डेफिशिएंसी इन एबनॉर्मलिटी पास्ट, यस और नो यहाँ पे पढ़ लेना है इसको, अगर हो तो यस करना नहीं नो करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आओगे अपना एड्रेस डिटेल यहाँ पे भर देनी है, उसके बाद अपना इंटर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना है, अपने साइन अपलोड करने हैं, ठीक है, यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चार ऑप्शन दिए, क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको भरने के लिए नेक्स्ट करोगे तो क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर डिटेल भरनी है जहाँ से आपको फी वे करके, और फिर लास्ट में फाइनली सबमिट कर देना। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे आप अपना फॉर्म सबमिट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।